यूएन में टर्की ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। कश्मीर पर यूएन ने नरम पड़े टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। 74 सालों में कश्मीर समस्या उलझी हुई है, एर्दोगान ने यह कहा, लेकिन यूएन प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों को सुलझाना चाहिए, एर्दोगान ने यह कहा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ एक सऊदी से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस खबर में। मेरे साथ आसिफ रमीज दाऊदी जी हैं। आसिफ साहब, एर्दोगान ने कश्मीर का नाम सबसे पहले नहीं लिया, आखिर में लिया, उनकी जो पेडलिंग है वो सॉफ्ट हुई है, योर टेक सर। निशांत, आपका सवाल अच्छा है और आपके सवाल पे ही मैं सीधा आऊंगा, हालांकि कुछ और भी बातें मुझे और रखनी है, बहुत देर से मौका मिला। लेकिन देखिए, कश्मीर का नाम उन्होंने बाद, अरे नहीं कोई बात नहीं, कश्मीर का नाम उन्होंने बाद में लिया, लेकिन कश्मीर की तरफ जो उनका नरम रुख है, ठीक है, तो उसको मैं रिलेट करना चाहूंगा कि किस तरह से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का और हिंदुस्तान का बोलबाला हो रहा है, किस तरह से उसको वेलकम किया जा रहा है। जब चीजें बदलती हैं, जब रीअलाइनमेंट होता है, कुछ दिनों पहले मैं आपके पीछे ले जाना चाहूंगा, जब सारी दुनिया ये बात कर रही थी कि इंडिया जो है वो आइसोलेशन में है, बल्कि ये पाकिस्तान के भी कई जर्नलिस्ट और सारे लोग पैनल्स पे भी कहते थे कि इंडिया कहीं है नहीं। जब अब आप देखें, अभी तो चीजें बदल रही है, बहुत सी चीजें रीअलाइनमेंट होंगी, समीकरण बदलेंगी, जब बदलती है तो स्टेटमेंट्स भी बदलते हैं और लोगों का रुख भी बदलता है। उसी तरह से आप अगर आज ये देख रहे हैं कि उनका रुख बदला है, तो उसके पीछे कई रीजंस हैं और एक अच्छी जो पॉलिसी होती है ना, हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वर्ल्ड प्लेयर बन के उभरेगा वो है और आगे भी बढ़ेगा। कुछ चीजों में, कुछ वक्त में लोगों को अपने सहूलियत के हिसाब से, मौके की नजाकत को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन हुई, अभी मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रहा था कि किस तरह से हिंदुस्तान का वहां पे वेलकम हो रहा है, किस तरह से हिंदुस्तान को वहां जगह मिल रही है, किस तरह अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है, और इसमें आप सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि आप मिडिल ईस्ट देखें या पूरी दुनिया का भी जायजा करें, जो कह रहे हैं ना कि हम शीत युद्ध नहीं चाहते हैं, बाइडेन साहब का जो ये था, तमाम स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, उसमें हिंदुस्तान का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। आप इन कंट्रीज में देखें सर, दूसरे सर, मेरे पास आखिरी दो मिनट बाकी है और मैं बहुत सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बहुत शार्प रिएक्शन दीजिए। दो महत्वपूर्ण चीजें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहां पर एजेंडे में होंगी, स्टार्टिंग विद जनरल साहब, जनरल संजय, वेरी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे पे होंगी, योर टेक सर, वेरी क्विकली। यस, टू टॉप मोस्ट थिंग्स विल बी टेररिज्म एंड कन्वेंशनल थ्रेट, जो मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है, टेररिज्म और कन्वेंशनल थ्रेट। मंजू मैम, दो चीजें जो प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे पे होंगी वहां पर, योर टेक एज पर यू। अफगानिस्तान डेफिनेटली रहेगा एजेंडा पे और okay. मुझे लगता है चीन भी, चीन का रोल और चीन को कैसे हैंडल किया जाए वो भी एजेंडा पे जरूर आएगा। शील खान सर, दो इंपॉर्टेंट चीजें प्राइम मिनिस्टर की जो आपके एजेंडा, आपको लगता है उनके एजेंडे पर होंगी। एक तो पेंडेमिक पे उनका जोर होगा, दूसरा फाइटिंग टेररिज्म पे जोर होगा। ओके, और अमेरिका के साथ, इन दोनों चीजों पे वो साथ बात करेंगे, और क्लाइमेट चेंज भी रहेगा, तीसरी चीज जरूरी है बहुत। क्लाइमेट चेंज, ओके फाइन। नूपुर जी, योर टेक, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे पे, एंड आई थिंक यू कैन टॉक ऑन क्वाड आल्सो इफ यू फील लाइक। Yeah, definitely. The Quad is definitely going to play the big role here, and here the Afghanistan issue is going to play big. Yeah. And the third, the pandemic. Definitely, they are going to talk about pandemic. Okay, Asif Saab, आपके अनुसार दो important चीजें। हमारे अनुसार भी देखें, counter terrorism तो होगा ही, COVID जो अभी pandemic के हालात हैं उसपे होंगे, और Afghanistan और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज में जो अभी हालात है, ओके, ये बहुत ओके। क्लोजिंग रिमार्क वेद सर से, जिनसे मैंने ओपनिंग रिमार्क लिया था। वेद सर, दो इंपॉर्टेंट चीजें प्राइम मिनिस्टर के एजेंडे पर वहां पर। नरेंद्र भाई वहां जाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, कोविड और मौसम, जलवायु के बारे में ये तीन चार मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच हमारे सारे पैनल का। ये शो कंटिन्यू कर रहा है, बस एंकर बदल जाएगा, लेकिन जो हमारा एजेंडा है वो नॉनस्टॉप चल रहा है। ये मत भूलिए, अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका, और इस बात को लेकर आपको गर्व महसूस करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।